तो मेरा एक सवाल ये है कि लोग बिजनेस करते हैं तो बीच में छोड़ क्यों देते हैं। लोग कभी कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, कई तरह का सवाल होता है कि बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं, उसकी वजह हम जानना चाहते हैं इनसे। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल सा सवाल है इनका, और सिंपल से सवाल का मैं सिंपल सा ही आंसर देना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं, वजह यह है कि हम किसी भी काम को अगर आधे अधूरे मन से करते हैं तो वो काम सफल नहीं होता है, असफल ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमें लखनऊ से दिल्ली जाना, हम लखनऊ से दिल्ली निकले गाड़ी लेकर के, और हमारा मन जाने को नहीं है, डाउट है मन में, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, समय से पहुँचेंगे कि लेट हो जाएंगे, जिस काम से जा रहे हैं होगा कि नहीं होगा, मतलब डाउट। जो आदमी के अंदर जब डाउट आ जाता है तो वो किसी भी काम में असफल हो ही जाता है। डाउट नहीं होना चाहिए, यानी हमारा जो गोल है वो क्लियर कट गोल होना चाहिए, जाना है मतलब जाना है, करना है मतलब करना है। लेकिन जब वो बीच में डाउट आएगा तो गाड़ी को स्लो चलाएंगे, गाड़ी की स्पीड नहीं पकड़ाएंगे, बीच बीच में हम ये ध्यान देते रहते हैं कि हाईवे से कहीं नीचे उतरने का रास्ता मिले तो हम नीचे उतर जाएं, वापस हो जाएं, हम बैक आ जाएं, ना जाएं, ऐसा मन में कई बार विचार आता है। अगर मन पूरा मन ना हो जाने का तब मन में कोई शक हो डाउट हो तो, लेकिन अगर क्लियर कट गोल है तो आदमी जिसको दिल्ली जाना है वो जाता ही है, रुकता नहीं, चाहे आधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो भी हो जाता ही जाता, क्योंकि उसको पता है मुझे जाने से क्या मिलने वाला। लेकिन जिसको अभी तक ये नहीं पता कि मुझे जाने से क्या मिलेगा, यानी इस बिजनेस को करने से हमें क्या क्या मिलने वाला है, जब तक ये चीज़ का पता नहीं चलता तब तक हम बिजनेस को सही तरीके से नहीं कर पाते। किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं तो असफलताएँ उसमें ज़रूर आती हैं, और असफलताओं का इंतज़ार हमें करना भी चाहिए। जब तक आप असफलता का इंतज़ार नहीं करते हैं या काम में आपको असफलता नहीं मिल रही है तो गारंटी है सफलता आपको नहीं मिलेगी, और इतना ज़्यादा असफल हो जाओगे, इतना ज़्यादा डाउन चले जाओगे कि कभी आप ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे कि इस ऐसा भी दिन आ सकता है, इतना बुरा दिन आ सकता है मुझे, भगवान ना करे कभी किसी को आए, लेकिन आएगा किसी न किसी रूप में आएगा। या तो आपके पास समय का अभाव हो जाएगा, या तो आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी, या तो आप कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी, जिसको बोलते हैं असफलता। असफलता का मतलब होता ही है सफलता, असफलता सफलता को ही बुलाती है। लेकिन जब क्लियर कट गोल होगा तभी वो आएगा। असफल, असफल का फुल फॉर्म का मतलब मैं बात करूं अगर, असफल, असफल का मतलब होता है, बोलता है असफलता क्या बोलती है, असफलता, असफलता मतलब कि वो कहती है सफलता आ, ऐसे में बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सफलता आ, लेकिन वो क्या बोलता है, असफलता, असफलता। वो सफलता को बुलाता है जिसका नाम है असफलता। तो इस तरीके से जो आदमी सही तरीके से काम करना चाहता है, जिसको पता है कि मुझे पढ़ने से क्या होगा, जिसको पता है मुझे खाना खाने से क्या होगा, जिसको पता है मुझे सुबह उठने से, जब वो पता चल जाता, वो कारण पता चल जाता है तो निवारण अपने आप निकल करके आ जाता है। लेकिन लोगों को कारण ही नहीं पता है, जब तक कारण पता नहीं करेंगे तब तक निवारण नहीं निकल सकता है। और अक्सर 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको कारण ही नहीं पता है। वो जिंदा क्यों हो वो भी नहीं पता, वो सुबह क्यों उठना उनको वो भी नहीं पता, हम खाना क्यों खाते बस पेट भरने के लिए खाते। अभी और सवाल, पहले तो प्रोडक्ट महंगा है और दूसरा सवाल है जो हम प्रोडक्ट लेते जो कंपनी को पैसा देते महंगा करके, वो पैसा हमारा पैसा हम ही को देता है, तो फायदा क्या है। हाँ, ये सवाल लोगों का, जब हम बिजनेस को नहीं समझेंगे, बिजनेस को सीखना नहीं चाहेंगे, इसकी गहराइयों में जाना नहीं चाहेंगे, तो इस तरीके के डाउट, इस तरीके के सवाल आपके पास हमेशा आते रहेंगे। प्रोडक्ट महंगा है, सेमिनार दूर है, दुकानें दूर है, ये जो भी समस्याएं हैं ये किसी और की नहीं, हमारी है। अगर ऐसा, जो आज के टाइम में जो सफल हुए हैं, जो आज अच्छे अच्छे अचीवर हमारे बीच बैठे हुए हैं, जो लाखों रुपए महीने के कमा पा रहे हैं, उनके सामने भी ये सारी समस्या आई थी, लेकिन उन्होंने समस्याओं को हटाया, समाधान को देखा। तो हमें क्या करना होगा, जो भी समस्या हमारे अपने अपलायन के साथ बैठकर उसको डिस्कस करना होगा, अपलायन से हमें पूछना होगा कि सर मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या ये सही है या गलत है। जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, हम अपने अपलायन से पूछ सकते हैं, जो हमारा सीनियर अपलायन है, जो ग्रोथिंग अपलायन है, जो फील्ड में दिखता हो, लोगों को प्लान दिखाता हो, मीटिंग सेमिनार लेता हो, उस अपलायन से मिलकर के सारी समस्याओं का हल ले सकते हैं। ये बातें जो आपकी है, जो सवाल है, पर्सनल बैठ करके किया जा सकता है, संभव है। मेरे सामने भी यही चैलेंज आया था, मेरे अपलायन के सामने भी यही सारा चैलेंज आया था। मैं चाहता हूं कि ये चैलेंज आप लोग के सामने भी आए, क्योंकि ये चैलेंज जब तक नहीं आएगा तब तक समझ लेना आप सही रूट पर नहीं हो। ये चैलेंज आएगा ही आएगा, सामान महंगा, प्रोडक्ट महंगा, दुकान दूर है, कहाँ सीखूंगा, कहाँ जाऊंगा, टाइम नहीं है, ये समस्या अगर नहीं आ रही है तो आप गलत प्लेटफार्म पर हैं। अगर आ रही है समस्या तो आप सही रास्ते पर, आगे बढ़ो, अपलायन से इसके बारे में सलाह करो, काउंसलिंग करो, और आप निकल जाओगे आगे, क्योंकि असफलता आना जरूरी है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है।